और बहुत खुश है, खाना बहुत अच्छा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज मिक्स मसाला। तो हम आए हैं पुरोहित थाल में, जो एक राजस्थानी थाली आज खाने आए हैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये देखिए, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक राजस्थानी खाना है और अंदर पूरा राजस्थानी कॉस्ट्यूम से लेके सारा अरेंजमेंट राजस्थानी के हिसाब से किया गया। ये रहा यहाँ का टाइमिंग, पधारो सा पुरोहित थाल। यहाँ का दोपहर का टाइमिंग है 11:30 से लेके 3:30 और शाम का टाइमिंग है 7 से लेके 11:15 बजे तक। तो ये डिनर और लंच का टाइमिंग है। और चलिए हम ऊपर भी चल के देखते हैं कि लंच में क्या है, डिनर में क्या है, क्योंकि यहाँ की मेन्यू रोज चेंज होती है। बासुंदी है, स्ट्रॉबेरी हलवा है, स्टार्टर के अंदर मूंग मसाला ढोकला है और चाइनीज टिक्की है, और सब्जी के अंदर दाल का बटाना टमाटर है, पनीर दाल फ्राई है, और आलू पापड़ी रसा वाला है, और छोले मसाला है, और दाल के अंदर राजस्थानी कढ़ी तीखा दाल, रोटी के अंदर फुलका रोटी कैबिज थेपला, और राइस के अंदर स्टीम राइस वेज पुलाव, और सलाड पापड़ छाछ जलजीरा गार्लिक चटनी फ्रेम्स, और पर है 250, हाई टू 8 ईयर्स बच्चों के लिए हाफ थाली 150, और टेक अवे के लिए पार्सल 140 वाला ट्रे पार्सल, और फैमिली पार्सल ऑफिस के लिए या घर के लिए 300 वाला फैमिली पार्सल। और रोज का मेन्यू यहाँ पे चेंज होता है, एवरीडे मेन्यू चेंज रहता है। चेंज। और जैसे 250 में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड थाली है, जिसके अंदर गुजराती और राजस्थानी मिक्स थाली रहेगा, प्योर वेजिटेरियन अनलिमिटेड थाली। तो गाइस, हम इनसे कुछ राजस्थानी में बोलवाना चाहेंगे। अगर हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे आना चाहे तो आप राजस्थानी कैसे करेंगे? राजस्थानी में तो हम वेलकम करते हैं कि पधारो सर, और जैसे अंदर आते हैं तो उनको मतलब घंटी बजाने का मतलब आवजो, या आवजो वर्ड ये जो है गुजराती वर्ड है जिसे बोलते आवजो, आवजो यानी राजस्थानी में बोलते पधारो सर, मतलब यहाँ पे राजस्थानी गुजराती दोनों कॉमन है। हाँ, और हम चलते हैं यहाँ के ओनर के पास, राजेंद्र सर के पास। ये यहाँ के ओनर है। और सर, तो आपने यहाँ पे मतलब कितने साल हुआ पुरोहित थाल को चालू करने? अभी हमको 2 साल होने हैं। और आपने देखा है यहाँ का बहुत अच्छा सर्विस है, काफी देखा है, देख के पता चल रहा है हम इसलिए लेट आए हैं कि थोड़ा सा क्राउड कम हो जाए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, खास थैंक यू आपको इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा सा किचन का व्यू दिखाने के लिए इन्होंने परमिशन दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गाइस, ये मेरी पूरी फैमिली वेट कर रही है, इतना क्राउड था। वेट करिए पापा, बोर हो रहे हैं? नहीं, बोर नहीं हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। Thank you.
फुल का रोटी है अपना। तो हमारे यहाँ तीन कुक है टोटल, पर्सन वाला, रसोई वाला, स्वीट वाला। इतना सारा खाना तीन कुक बनाते हैं? हाँ, तीन कुक बनाते हैं। तब तक हाँ देखिए इसका। आओ जो यहाँ पे। ये मैम छोटा पार्टी हॉल है, जैसे 30 का कैपेसिटी है, तो सब फैमिली के साथ अगर 30-35 लोग, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, लोग ये अलग से। ये चेयर एक बार यहाँ बैठो। राजस्थानी लोग खाने में यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती दोनों 50-50 है। गुजरात और यहाँ पे अगर बोईसर आप आए हो तो जरूर विजिट करिए, कमाल का है यहाँ का। पार्टी हॉल में चलते हैं। कम 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 देख रहे हैं ना, बड़ा पार्टी हॉल है ये। बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, एंगेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लीज नेम सबसे पहले। मेरा नाम दीपक यादव। ये इवेंट में हम लोग का एक्चुअली हम लोग इवेंट्स ही ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं और ये पार्टनर है और यहाँ पे हम लोग डेकोरेट करते हैं बेसिकली। सर के साथ हम लोग का कोलैब है, तो जो भी ऑर्डर रहेगा हमको ही देते हो। अच्छा लग रहा है काम करने के लिए उनके साथ? अरे बहुत बहुत अच्छा, लाइक फैमिली जैसा बॉन्ड है हमारा, तो कोई इशू ही नहीं है, कुछ भी रहेगा सर हमको कॉल कर देंगे। वैसे सर राजस्थान के, राजस्थानी लोगों का ना स्वभाव एक नंबर होता है। अरे स्वभाव का तो क्या बोले, अभी हम लोग काम करने आते हैं, हम लोग का काम खत्म होगा, सर का ऐसा रहता है कि जब सब लोग स्टाफ बैठ के खाना खाते तो हम लोग को बुलाएंगे, आ जाओ आप भी खाना खा लो साथ में, एकदम फुल फैमिली, लाइक लिटरली इनका भाई, इनका इनके जो भाई है वो हो गए, इनका बेटा हो गया, बाकी सबके साथ से रिलेशन है, तो हाँ यहाँ पे काम करने में तो मजा आता है, मतलब काम के साथ एंजॉयमेंट भी हो रहा है, और क्या चाहिए। ते हैं हम अपनी थाली की ओर, अपनी फैमिली की ओर, पूछते हैं उन लोगों को बोरियत तो नहीं हो रही। तो गाइस देखिए यहाँ पे सर्विंग सर्व करना स्टार्ट हो चुका है। बच्चा मैं यहाँ पे बैठती हूँ। ओके हाँ गरम पानी, थैंक यू। तो हमारा हैंड वॉश हो चुका है। ये मीठी चटनी जी, ग्रीन चटनी, काकड़ी की सलाद, जलजीरा, ये सास, मसाला सास है, मूंग मसाला ढोकला है, मूंग मसाला ढोकला, और ये हरा भरा कबाब, हरा भरा कबाब, कबाब एप्पल बासुंदी, एप्पल बासमती, स्ट्रॉबेरी हलवा, स्ट्रॉबेरी हलवा, दिखने में बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। सब्जी हल्का बटाना, टमाटर, पनीर, आलू, चावली, गलका वटाना, पनीर, दाल करी, दाल करी, दाल की करी, यहाँ बाजू में हमारी पूरी फैमिली को भी सर्व किया जा रहा है।
फुलका, ये मसाला पूरी है। ओके पापड़ जी, लहसुन चटनी, लहसुन चटनी जी, अच्छा हरी मिर्ची, फ्राई मिर्ची, हरी मिर्ची फ्राई किया हुआ है, प्याज, तो हमारा थाली कंप्लीट हो चुका है, हमारी थाली कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी पगड़ी आ चुकी है, अभी कैसी लग रही हूँ मैं, फुल राजस्थानी। कमाल का, ये हमारी करी बहुत ही टेस्टी है गाइस, ये हमारी दाल है, जरूर आइए जरूर आइए, मैं इतना ही बोलूंगी जरूर आइए। ये चौली की भाजी बहुत अच्छा, ये हमारे आलू की भाजी लगता है, टेस्ट कमाल का है गाइस। और यहाँ की सर्विस आपने देखी, मजा आ गया। ये पनीर की भाजी, ये हमारा हमारे गलकी की भाजी है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गाइस, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अभी मैं पूरा फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके फैमिली रिव्यू देते हैं, इनका आज बर्थडे भी है और तो ये हमेशा हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। और बहुत खुश है, खाना बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा क्या है? नहीं नहीं, ये वाला सबसे अच्छा है, चौधरी हलवा, और ये बासुंदी सबसे अच्छी है, मुझे सब अच्छा, ओवरऑल सबसे अच्छा है, लेकिन किसी को अच्छा बोलना है तो अच्छा है। ये बाजी क्या था, मुझे सबसे जैसे लगे मेरे को, खाना स्टार्ट किया है या अभी खा चुके हो? उधर जाइए मैम, ये हमारे पर व्हाट फिनिश हो गया खाना खा के, कैसा लगा खाना आपको सर्विस? नेक्स्ट टाइम आने का है? वी आर रेगुलर, ओके, एवरी ऑल्टरनेटिव है, कैसा लगा? एंजॉय, कैसे करो ऐसा, कैसे करो ना, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो यहाँ पे आते हैं। आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है, हमारा यहाँ पे रहना रहता है, मंथ में 3-4 बार तो यही रहता है, मतलब 2 ईयर हो गए हैं, सर उन पे विजय है, इन्हें रिश्ता नहीं कहते। सर आपको यहाँ पर खाना कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा लगा, पहले भी आ चुके? हाँ पहले काफी टाइम आता हूँ, प्योर वेज, प्योर वेज, अच्छी बात
कौन सी छुट्टी क्या किस चीज़ के लिए है? मैम एक्चुअली छुट्टी नहीं बताते हैं, ये हमारा कोर्स लैंग्वेज होता है जो कि हम ऐसे बुलाते हैं जैसे हमको सब चीज़ सही तो ऐसे बजाएंगे, जो बंदा सामने देखेगा उसको फॉलो करेंगे हम कि सब्जी यहाँ पे, तो टेबल नंबर बताया कि इतना यहाँ पे इशारा करेंगे, वो अपना सब्जी लेके आएगा टेबल पे देखेंगे। और भी जैसे सब्जी हो गया, दाल कड़ी हो गया, रोटी हो गया, तो ये सब कोड लैंग्वेज है सर, उनको बुलाएंगे रोटी दाल कड़ी जैसा सब्जी। बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक इज मैडम सब्सक्राइब करो।